नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। और आज पंजाब केसरी .com की टीम चुनाव को कवर करने के लिए फील्ड पे उतरी है, तो इसी मुहिम में हम पहुंचे हैं तिलक नगर सीट में। तो चलिए आपको बात करवाते हैं लोगों से कि उन्होंने क्या सोच के, उनका क्या सोच रही वोट करने से पहले। तो चलिए आपको बात कराते हैं। तो मैम पहले अपना नाम बताइए। पूजा कपूर। तो मैम आप तिलक नगर एरिया से? हाँ जी। तो आपका अंदर जाने से पहले, ईवीएम में बटन दबाने से पहले क्या सोच थी, मुद्दा क्या था कि आपने अपने तिलक नगर में विकास देखा है या नहीं देखा अभी? मतलब कुछ चीज़ आपको कुछ टाइम से विकास था, पर जब से आम आदमी पार्टी आई है मुझे विकास नहीं दिख रहा है। हमारे एरिया में इतनी साफ़ सफाई रहा करती थी जो बिल्कुल बंद हो गई है। नाले बिल्कुल गंदे रहने लग गए हैं, पानी बारिशों का बिल्कुल भर जाता है, मतलब बहुत ही बुरा हाल हो गया है। रोड्स बिल्कुल गंदी हो गई हैं। और जब तक बीजेपी थी मेरे को हमेशा साफ़ सफाई देखने को मिली, इंस्टेंट एक आवाज़ में। मैं अगर सुबह बोलती थी तो शाम तक काम हो चुका होता था। और वो चीज़ बिल्कुल नहीं आ, जैसे 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 सीसीटीवी लगाने की बात कही, फ्री बिजली फ्री पानी, ऐसे मुद्दों का कुछ फ़ायदा हुआ तिलक नगर क्षेत्र में? फ्री बिजली फ्री पानी तो हम फिर अपना लेवल या तो गिरा कर सिर्फ फ्री देखते रहे। पढ़े लिखे लोग हैं, हमें आगे बढ़कर सिर्फ देश की तरक्की और दिल्ली की तरक्की की तरफ सोचना चाहिए। इतनी छोटी सोच से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हम खड़े हुए हैं तिलक नगर में और यहाँ पे लोग वोट करने पहुँच रहे हैं और भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। तो चलिए आपको बात कराते हैं उन लोगों से और जानते हैं उनका मुद्दा क्या रहने वाला है। तो सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रॉकी कोहली है और मैं इसी विधानसभा से इसमें हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी वोट डाला है मैंने। और सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशनर का बहुत बहुत थैंक यू करूँगा, इन्होंने बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ये पिंक बूथ बना के गवर्नमेंट सर्विस जितने भी लगे हुए हैं, मैंने देखा है न्यूज़ में फेसबुक पे कि वो बेचारे सारी रात से यहाँ पर आए हुए हैं। और मतलब मेरा ये सबसे अपील यही है कि आगे खुद वोट करें, यहाँ के भारी संख्या में आएँ और ये इस पर्व का एक सेलिब्रेट करें। का उठ रहा है सफाई की दिक्कत क्या है कि गाड़ी नहीं है आती सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से? पहले गाड़ियां आती थी, वो हॉर्न बजाते थे, हम सारा कूड़ा फेंक देते थे उनमें। आजकल कोई गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं होता, बंद हो गया सब, पता नहीं क्यों हुआ ये, सरकारी जाने। ठीक है, से बात होती है मुफ्त पानी की, पानी आपको क्वालिटी वाला मिला? पानी तो ठीक मिल रहा है और पहले कम आता था, प्रेशर से आता है, मोटर जब तक लगाएं तो पानी आता नहीं, मोटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उससे ही पानी खींचती है तो उससे आता है। तो सर पहले अपना नाम बताइए और आप बताइए आप क्या करते हैं। मेरा नाम मोहित भारद्वाज है और मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। ठीक है, तो 5 साल जो आपके पीछे गए हैं अभी बीते हैं दिल्ली में, कैसे रहे हैं? जी 5 साल मैं यही कहूँगा मिक्स ही रहे, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। तो मतलब आपसे मैं पूछूँ कि अगर आपके तिलक नगर की हम बात करें, तिलक नगर में आपको विकास देखने को मिला है? तिलक नगर में नहीं। मैम कुछ बोल रहे हैं, मैम अपना नाम बताइए। मैम पूजा। आप क्या करते हैं? मैम हाउसवाइफ हूँ। तो आपको तिलक नगर में कुछ देखने को नहीं मिला? सिर्फ रोड्स बनी थी और उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ जहाँ तक मुझे, मैंने देखा, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ मुझे सिर्फ इतना दिखा कि रोड्स ही दिखी थी। एक इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे, एक जो प्रत्याशी हैं दूसरी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यहाँ सीसीटीवी लगवा रही है, उन्होंने 2-4 सीसीटीवी भी दिखाए। यहाँ पे लगे क्या सीसीटीवी? नहीं लगे, सीसीटीवी नहीं लगे। और बात करें एजुकेशन की, बड़ी बात करते हैं, आपका कोई है ऐसा नोन जो सरकारी स्कूलों में है या जो देख रहे हो आप कहीं, कि कुछ बात सुनने में आती है, परिवार में बात चलती है कि बड़ा किया इन्होंने? एड है, उसके जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, तो वो कभी कहती है कि हाँ सिर्फ पीटीएम्स पे फर्क पड़ा है कि पीटीएम की वजह से जैसे इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स को इन्वॉल्व, बाकी ऐसा कुछ ऐसा डिफरेंस जो पढ़ रहे हैं उनके कहने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।